आज मैं आपको चेंज ओवर लगाने का तरीका बताने लगा हूँ कि चेंज ओवर लगाते कैसे हैं और इसका मकसद क्या होता है। ये मेरे पास चेंज ओवर है, ठीक है, ये 2 मीटरों पे लगता है, 2 मीटरों की लाइट कन्वर्ट करने के लिए। कि चलो कुछ लोग 15 दिन 1 मीटर चलाना चाहते हैं और 15 दिन दूसरा मीटर चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये 0 है और ये मीटर 1 और ये मीटर 2, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो बत्तरी लगी हुई है ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इधर हमारी लग जानी है घर की मेन, घर या दुकान जिसको भी आपने लगाना है, इधर हमारी लग जानी है घर और दुकान की मेन लग जानी है। और ये हमारी दूसरी साइड आ गई, इधर हमारा लग जाना है 1 मीटर और इधर लग जाना है 2 मीटर के कनेक्शन, ठीक है। अब कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने लाइट बना के रखी हुई है, ये बल्ब है हमारे पास, ये हम लगाएंगे इधर, ये आ गया, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं। इधर हमने लगा दिया मेन घर की जो लाइट है, लाइट की तार हमने लगा दी, ठीक है। और अब हमने लगाने हैं 2 मीटर, ये हमने लगा दिया मीटर 1, ये मीटर 1 और ये आ गया हमारा मीटर 2। ये हमने क्लिप बना के रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये मीटर 1 आ गया, लाइट ऑन हो गई, और ये मीटर 2 आ गया, ये लाइट ऑन हो गई, और ये आ गया 0, ठीक है। अब मैं आपको कनेक्शन दिखा दूँ, आपने गौर से देख लें। ये देखें, ये 1 मीटर की तार, नीचे न्यूट्रल फेस आपने बराबर लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हैं उसी तरह, ये ना हो न्यूट्रल एक तरफ हो और फेस दूसरी तरफ हो, इस तरह गलत हो जाता है काम, ठीक है। ये 1 मीटर हो गया और ये 2 मीटर हो गया और ये आ गई हमारी लाइट की तार, ये इस तरफ लाइट की तार आ गई, ठीक है। ये फिर आपको बताऊँ, मीटर 1 ऑफ और मीटर 2, ठीक है जी। बड़ा आसान तरीका है, इसको आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आप DB बॉक्स है उसमें भी फिट हो सकता है, और इसका अलग से बॉक्स आता है उसमें भी फिट हो सकता है।